हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा। यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 चम्मच बेसन। बेसन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आटा नहीं तो बहुत नरम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा लगा लें। तो आटा यहाँ पर मैंने लगा लिया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे तेल। रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, आप चाहे तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऊपर से कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसको रेस्ट पर रखेंगे। इसको कर देते हैं साइड। और यहाँ पर मैंने आलू को उबाल लिया है। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ठंडा होने पर इसके छिलकों को उतार लेना है। तो सारे छिलकों को मैं छील लूँगी इस तरह से। तो एक मैंने छील लिया है और सारे इस तरह से मैंने छील लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कद्दूकस ले रही हूँ बड़े वाले, इससे मैं कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करने से बहुत ही अच्छा हमारा पराठा बनेगा। और इसी तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है एक, और इस तरह से सारे जो आलू हैं उसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है। और इसके बाद मैं लूँगी धनिया पत्ता। तो 1 कटोरी धनिया पत्ता ले लिया है, इसको भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा डाला है हींग पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और यहाँ पर लास्ट में डाला है कस्तूरी मेथी। इसको अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। सारे चीज़ों को हल्के हाथों से मिला लेंगे। मिक्स हमें हल्के हाथों से ही करना है। और नमक डालेंगे लास्ट में ताकि जो इसमें से पानी है वो ना निकले। पहले डालेंगे तो इसमें से पानी छूटने लगेगा। तो मिक्स हो चुका है नमक भी। इसके बाद इसके बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाना है। इस तरह से मैंने 4 बना लिया है। अब आटा चेक कर लेते हैं। देखिए आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके भी बॉल्स तोड़ लेंगे लोइया। तो आलू जितना हमने बड़ा रखा है उससे थोड़ा सा बड़ा हम आटा लेंगे। तो 4 इस तरह से बना लिया है। और इसको अब अच्छे से गोल कर लेना है और आटे में लपेट के हाथों से दबाते हुए रोटी की तरह बना लेना है। थोड़ा सा इसमें तेल लगा लेंगे और ऊपर से सूखा आटा डाल देंगे। इस तरह से छिड़का के डालना है। इसके बाद हम आलू के बॉल्स ले लेंगे इस तरह से और दबाते हुए इस तरह से ले लेंगे और चारों तरफ से आटे को साइड से उठाते हुए इस तरह से बना लेना है। और जिस तरह से हम मोमो बनाते हैं उसी तरह से बना लेना है। और आटे को लास्ट में दबा देंगे और इस तरह से सूखे आटे में लपेट लेंगे। अब उंगली की मदद से दबाते हुए इस तरह से फैला लेंगे। अब फिर बेलन से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा के बेलना नहीं है, सॉफ्ट हाथ से ही बेलना है। तो हमारे जो पराठे हैं बन चुके हैं। अब तवा मैंने गरम कर दिया था, एक साइड हो चुका है, दूसरे साइड पलट देंगे। दूसरा साइड जब हो जाए अब पलट देंगे और ऊपर से घी या तेल लगा लेंगे। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे और अलट पलट करते ही अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक सेक लेना है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब पराठे को निकाल लेना है। इस तरह से पराठे अगर बनाते हैं तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही फूले फूले पराठे बनेंगे। देखिए इस तरह से फूले फूले पराठे बनेंगे। तो सारे जो पराठे हैं मैंने सेक लिया है इस तरह से और पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। पराठा मैंने दही के साथ और धनिया पत्ता की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो आम के अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो
पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।